लगातार तीसरी बार दिल्ली के जनता ने एक मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के कामों के बेसिस पे। आज अभी हम ओखला विधानसभा के शाहीन बाग एरिया में हैं। जी हाँ, वही शाहीन बाग एरिया जो इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत चर्चा में रहा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान मौजूद हैं। इस बार इन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को बीट किया है। अमानत साहब, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस विक्ट्री। थैंक यू। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आवाम की जीत है, आवाम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और डेवलपमेंट पर लोगों ने वोट दिया है और स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली, जो बेसिक नीड है, जो ज़रूरत है, उन पर लोगों ने वोट दिया है। नफरत की राजनीति को नकारा है। बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की कि नफरत की राजनीति करने की, लेकिन दिल्ली की आवाम ने नफरत की राजनीति को बुरी तरह से नकारा है। आप आम आदमी पार्टी के एक बहुत प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस बन चुके हैं और आपके आसपास आपको भी बोला गया, आपके पार्टी के लीडर को टेररिस्ट तक कहा गया। ये जो हेट कैंपेन हुआ है, अब तक इलेक्शन का यही एक्सपीरियंस होता था कि किसी भी पार्टी की टॉप लीडरशिप खामोश रहती थी ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे, फ्रिंज ग्रुप्स बोलते थे। इस बार पूरी की पूरी बीजेपी एक हेट कैंपेन के हर बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी है। देखिए, उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबरपुर की रैली में कहा कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। यहीं पर उनका कैंडिडेट, जो बीजेपी का कैंडिडेट है ओखला से, उसको जितने वोट मिले उससे ज़्यादा वोटों से मैं जीता। उसको वोट मिले 58,000, मैं जो जीता हूँ वो 72,000 वोटों से मैं जीता हूँ। तो उसको तो यहीं आवाम ने नकार दिया और इनको समझ आना चाहिए कि लोग अब नफरत की राजनीति नहीं चाहते और ये अच्छा है। इन्होंने हेट राजनीति की, इससे नया रास्ता खुला है, लोगों को मौका मिला है डेवलपमेंट पर वोट करने का, लोगों ने किया है। अब हिंदुस्तान के अंदर नई किस्म की राजनीति शुरू होगी, नफरत की राजनीति ख़त्म होगी और आप देखिएगा जो डेवलपमेंट करेगा वही सरकार में आएगा। जो ये नफरत, पूरे 5 साल काम नहीं करना, मुद्दों को पीछे करने के लिए नफरत की बातें करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करना, गालियां देना, बदतमीजियां करना, आतंकवादी कहना, बिरयानी की बात करना, शाहीन बाग की बात करना, ये सब चीज़ों से लोगों को ऊब गए हैं और यही वजह है कि आज दिल्ली में 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर आई है। साउथ ईस्ट दिल्ली का ये किनारा है, एक छोटी सी जगह है, अनऑथराइज कॉलोनी है, डेवलपमेंट के अभी बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन ये जो आपका इलाका है शाहीन बाग, ये पूरी दुनिया में अब जाना जा रहा है। कितना बड़ा चैलेंज है इस एरिया को एज एक मॉडल असेंबली एरिया बनाने में? देखिए, हमने काम बहुत किए हैं और बहुत चेंजेस आए हैं पुराने वक्त में और अब में। तमाम सड़कें आप देखेंगे, तमाम सीवर देखेंगे, लाइट ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ हमने बना दी, मदर एरिया यहाँ हमने बना दी। तो आप पर देखेंगे कि पहले का वक्त, जब मैं नहीं था विधायक, उससे पहले का वक्त में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है। और अब बड़ा जिम्मेदारी है, आवाम ने जिस तरह से भरोसा जताया है उसको, तो ये है कि और ज़्यादा चैलेंज है हमारे लिए और भरोसा ज़्यादा है तो जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। तो आखिरी सवाल, चूंकि जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है तो इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी आवाम को जिन्होंने आप पे फेथ दिखाया है? नहीं, आवाम के साथ मिलकर काम करेंगे, मोहल्ला कमेटियां बनाकर काम करेंगे, जो लोग चाहेंगे वो काम करेंगे, आवाम से पूछ कर काम करेंगे, आवाम पर भरोसा, काम किया है और काम करेंगे, आम आदमी की तरह काम किया है, नेता बनकर नहीं किया, भाई बनकर काम किया है, जो आज पूरा ओखला साथ था और ये इस बात का सबूत था कि बिल्कुल पूरी पार्टियां तबाह हो गई, ख़त्म हो गई पूरी तरह से, हमारे साथ थे क्योंकि हमने कोई नेता नहीं बने, हम कोई VIP नहीं बने हम।